है भाई सबके थर्ड एंड द लास्ट वीडियो ऑफ आर राइडिंग पार्टनर्स। देखो पहली वीडियो थी डीएसजी गियर्स की, वो मैंने खुद परचेज किए थे, वो राइडिंग पार्टनर नहीं थे। सेकंड वीडियो थी बाइक की रैप टॉक्सिक स्किन डिजाइन के साथ, दे आर आर राइडिंग पार्टनर्स। एंड थर्ड वीडियो भैया कौन है अपने राइडिंग पार्टनर, किसका हेलमेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो विल बी यूजिंग स्टीलबर्ड इंडिया हेलमेट ऑन आर राइड। हेलमेट कौन सा होने वाला है वो चीज़ आपको आगे पता लगेंगी। अभी चलते हैं शोरूम में, जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में इकलौता शोरूम है स्टीलबर्ड इंडिया का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो भैया मेड इन इंडिया हम लोग यूज़ करने वाले हैं, चलते हैं भी अंदर। So, hey guys, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing absolutely fine in your life. Let's start today's video. Welcome back to our channel, that is ridersoul. मैंने आपको बताया भैया राइडिंग पार्टनर कौन होने वाले हैं अपने, स्टीलबर्ड इंडिया हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टीलबर्ड हेलमेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टीलबर्ड। कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है देखो वो मिलेगा आपको आफ्टर राइड, बट पहले कौन सा हेलमेट हम यूज़ कर रहे हैं और कैसी उसकी प्राइसिंग है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं वो बताते हैं। अभी बात आती है हेलमेट की, हेलमेट हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं। न्यूली लॉन्च एरोनॉटिक्स डिज़ाइन SA2 हेलमेट। भाई साहब इसके जो शॉट्स निकाले ना, मतलब देखो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मैं राइड से वापस आ चुका हूँ, राइड पे ऐसे ऐसे शॉट्स ऐसे ऐसी फ़ोटोज़ निकाली है ना, फ़ोटोज़ पे कहोगे क्या कह रहे हो लड़के, मतलब चेक करिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके फोटोज चेकआउट करो, लाइक करो, शेयर करो। लेट्स अनबॉक्स इट, सिंपल सी अनबॉक्सिंग, कोई ज़्यादा खास ऐसा नहीं कि भैया फाड़ रहे हैं। हियर वी हैव आवर हेलमेट, निकाले हो, एक बार चेक करें यार, सो कूल, लाइक मैन नो वर्ड्स फॉर स्टीलबर्ड। लाइक यार डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छा वर्क किया है, जो चीज़ें दिख रही हैं हमें काफ़ी अच्छी हैं। हमें क्या क्या मिला है देखो, हमें मिला है एक ब्लैक वाइजर्स के साथ, ब्लैक वाइजर लगा हुआ है, एक हेलमेट दिखाता हूँ आपको, ये भी स्टीलबर्ड का एरोनॉटिक्स में ही SA2 है, बट थोड़े कलर वगैरह हैं, इसकी प्राइसिंग थोड़ी अलग है। प्राइसिंग मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग प्राइसिंग मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा आपको MRP। ये है इसका ब्लैक वाइजर, हमें मिला है ये वाला हेलमेट ब्लैक वाइजर के साथ, तो ये वाला ब्लैक वाइजर लगाएंगे अपने हेलमेट में। इसके लुक भी बहुत प्यारे हैं यार, काफ़ी अच्छे लुक्स आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी बात ना करते हुए करेंगे अपने हेलमेट के बारे में बात। मैटी ब्लैक मैंने क्यों लिया, देखो मेरे DSG गियर हैं वो ब्लैक हैं, ब्लैक हर जगह चलता है, ब्लैक के साथ बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, और ब्लैक वाइजर के साथ तो वही हुए, ब्लैक वाइजर एंड मैट ब्लैक हेलमेट क्या कह रहे हैं। तो देखो यार सबसे पहले मैंने इसका ये वाइजर हटाया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक एंटी फॉग। अगर मैं कहीं पे भी विंटर में राइड कर रहा हूँ, फ्यूचर राइड्स में भी विंटर होने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करनी है, विंटर में अपन को काम आएगा इसका एंटी फॉग। अभी एक बार हेलमेट पहनूँ कैसा लगने वाला है, तो वॉट ऑफ फिटिंग, लवली फिटिंग। जो साइज़ है इसका है मीडियम, और फिटिंग देखो एक बार यार, कुशनिंग काफ़ी प्यारी है, काफ़ी बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर डे स्पॉन्सर किया है, फ्री का मिला है, तो मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हेलमेट है। एक बार आप लोग चेक लेने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना, जो मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज़ होती है वो होती है ये, इसको कैसे निकालना है, इसको हम निकालेंगे, निकल जा आ गया। तो अभी देखो यार हेलमेट कैसा लग रहा है, एक बार बताओ लुक्स वगैरह इसके आपको कैसे लग रहे हैं। ये अपना हो गया आगे से, ये हो गया इस साइड से, ये हो गया लेफ्ट साइड से, और ये आपको दिख रहा होगा इधर मिरर के अंदर, ये आपको मिरर के अंदर दिख रहा होगा थोड़ा पीछे से कैसा लुक है इसके। सो हियर वी आर विद दिस न्यू हेलमेट, या देखो डिज़ाइन देख लिए, लुक्स देख लिए, काफ़ी अच्छे लगे। अब भी बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। देखो जो मेन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ना एरोनॉटिक्स, इसका कोई मतलब होगा, स्टीलबर्ड कोई एरी कंपनी नहीं है भैया, एशिया बिगेस्ट कंपनी है जो हेलमेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्लान के अंदर। तो जब हम ये वाइज़र लॉक करेंगे ना, तो भैया इधर आ जाएगा एक वाइज़र लॉक, जिससे कि ये विंड ब्लास्ट से खुल लेना, कई बार होता है ना कि यहाँ से वाइज़र आपका लूज़ हो जाता है, तो इधर से लॉक नहीं होता है तो ये खुल जाता है। अब मैंने लॉक हटाया और ये हुआ ओपन। अभी बात करते हैं इसकी पैडिंग के बारे में। यार देखो पैडिंग कैसी है, अब भी काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब एयर वगैरह में पेन नहीं होगा। यहाँ पे स्पेस है अपना इंटरकॉम का, हम लोग यहाँ पे देखो ये इसमें होल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक इंटरकॉम की वायरिंग फिट कर सकते हैं।
और मैं GoPro अपना लगाने वाला हूँ यहाँ पे आगे माउंट, जो कि होगा अपना ब्लू आर्मर का। सो काफ़ी अच्छा है। अब देखो यार, देखो ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करूँगा, मेरे को अभी नहीं पता कि पैडिंग कैसा काम करने वाली है, वो होगी राइड के बाद हेलमेट रिव्यू के अंदर। लेकिन व्हाट द मीन ऑफ एरोनॉटिक्स, ये क्यों हम इसको एरोनॉटिक्स बोल रहे हैं, स्टीलबर्ड ने क्या सोच के बोला है? तो भैया देखो, वो सोच के ये बोला है, इसके अंदर जो वेंटिलेशन बार है ना, सबसे पहले आपको एक यहाँ पे मिलेगा, चिन के ऊपर मिलेगा एक हैवी वेंटिलेशन जो सीधा जाएगा, हवा अंदर जाएगी। देन एक और एयर इनटेक है इधर, यहाँ पे है एक एयर इनटेक जो ऐसे करके हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हवा जाएगी। देन एक और वन मोर एयर इनटेक। अब भैया देखो, हवा अंदर जा रही तो हवा का निकलना ना ज़रूरी है, वरना दिमाग ख़राब हो जाता है। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे फिन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एयर वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। एंड लुक एट द लाइक लुक्स, देखो इस हेलमेट के यार, कितना प्यारा लग रहा है। देखो यार, आप लोगों ने हेलमेट देखा, हेलमेट मिला मेरे को SA2, बहुत ही प्यारा हेलमेट लगा। एक और पीस अपना इधर रखा हुआ है यहाँ पे मैट ब्लैक, और काफ़ी सारे और भी कलर ऑप्शन है इसमें, लाइक काफ़ी सारे हैं। SA2 पेंटेड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट अगर आप स्टीलबर्ड शोरूम आ रहे हो तो आपको यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लेफ्ट कॉर्नर से। सबसे पहले जो नज़र जाती है ना, वो जाती है इस हेलमेट पे। शायद ही आपने ये हेलमेट देखा हो कभी स्टीलबर्ड का, स्टीलबर्ड कार्बन फाइबर। ओ बॉय, बहुत ही जल्दी प्लान है कि एक कार्बन फाइबर हेलमेट मेरे को लेना है, क्योंकि देखो यार ये बहुत ही लाइट वेट है, मैं इसको एक उंगली पे ऐसे हैंग कर सकता हूँ आराम से। देखो बहुत ही लाइट वेट है, इन हेलमेट को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते इसको, तो भैया दिन में भी घूम लूँ मैं पूरे दिन। और उसके बाद देखो यहाँ से रेंज स्टार्ट होती है, यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट हैं। ये इसका हो गया मोटोक्रॉस RS, एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको RSB के बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, कितने कूल ग्राफिक्स हैं देखो, और वाइजर कलर ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको रोबोट के बाद मिलेगा आपको SA1 में आपको नॉर्मल मिल जाएगा, उसके बाद SA1 के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आ जाते हैं पीछे, तो स्टीलबर्ड ने सबका ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे है लेडीज़ कलेक्शन, ये फॉर ऑल द फीमेल्स, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। देखो पिंक तो बनता था, मतलब लड़कियों को ऐसे पता पसंद होता है, पिंक तो बनता है, उसके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके मुझे ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगे, ऐसे लड़कियों को कार्टून वगैरह पसंद होते हैं, तो देखो मतलब काफ़ी सही लग रहा है ये वाला हेलमेट भी मेरे को। सो भैया यहाँ पे देखो आपको सब मिल जाएगा, स्टीलबर्ड ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उसके अलावा स्टीलबर्ड की यहाँ पे भैया राइडिंग जैकेट भी आती है, अगर किसी को पता हो ना पता हो, इग्नाइट करके एक कलेक्शन है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। हम कहाँ से ले, कैसे ले स्टीलबर्ड हेलमेट, हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ से हमें बेस्ट डिस्काउंट बेस्ट रेट मिलेगा? देखो यार, अगर आप स्टीलबर्ड के शोरूम में आ रहे हो, आई थिंक सो ये इकलौता शोरूम है स्टीलबर्ड का, मुझे पता नहीं ऑल ओवर इंडिया या फिर सिर्फ दिल्ली के अंदर, बट दिस इज ऑथराइज शोरूम जिसको ऑनर कंट्रोल करते हैं, तो भैया स्टीलबर्ड का राइडर शोरूम है ये। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑन MRP। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगा आप यहीं आ सकते हो, आप लोग देखो मेरा मतलब है स्टीलबर्ड को प्रमोट करना है, मेरा काम है स्टीलबर्ड के लिए अच्छा बोलना, मतलब ऐसे नहीं कि पेड हो गया, तो काम अच्छा किया हुआ है इसलिए। तो आप लोग देखो कहीं भी जा सकते हो, अगर आप दिल्ली से तो कदली में करोल बाग के अंदर आप स्टीलबर्ड खरीद सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी कर सकते हो, आप अमेजोन पर चेकआउट कर सकते हो। स्टीलबर्ड बिग थम्स अप टू स्टीलबर्ड, काफ़ी सही काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। पीछे देखो भैया लाइन ही लगी हुई है मतलब हेलमेट्स की, ऐसा मतलब ना बाइक लोगों के पास बाइक गैराज होता है, हेलमेट कलेक्शन होना ऐसा हो, अलग अलग कंपनीज की हो बट मतलब लाइक चुम्बा भाई, मज़ा आ गया। यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी कूल है, यार मैं देखो कैमरे में नहीं लेना चाहता किसी की प्राइवेसी के लिए, बट बिग थम्स अप टू स्टीलबर्ड इंडिया। बस वीडियो एंड करते हैं यार, और एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग लोकल्स के अंदर विलेज के अंदर रूरल एरियाज में यूज़ करते हैं स्टीलबर्ड की बैंक डिग्गीज भी आती हैं, साइड के अंदर साइड बॉक्सेस हैं, काइंड ऑफ स्मॉल पैनियर्स जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, तो स्मॉल पैनियर्स, हेलमेट्स, रेन सूट आपका, रेन गियर्स, आपके वाइजर्स, कोविड के लिए स्पेशली स्टीलबर्ड ध्यान दे रहा है, कोविड के लिए भी भाई स्टीलबर्ड ने देखो यहाँ पे ये थर्मामीटर बनाया हुआ है, ये स्टीलबर्ड का थर्मामीटर यहाँ पे आया हुआ है। इसके अलावा स्टीलबर्ड काम कर रहा है फेस शील्ड्स के अंदर, तो स्टीलबर्ड की ये फेस शील्ड भी है, पैक है। देखो यार काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ना मास्क लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है सांस की, काफ़ी लाइक लोगों को डिसीजेज भी हैं, तो कोविड के अंदर स्टीलबर्ड ने बहुत ही खास ध्यान रखा है। एक हैवी विंडशील्ड बनाई है, एक हैवी फेस शील्ड, एक्चुअली ये यही ये वाइजर भी होता है हेलमेट के अंदर, बट एक हैवी फेस शील्ड भी है जिसको आप लगा सकते हो। तो लाइक यार कोविड के टाइम पे देखो इससे ज़रूरी क्या, जान से बढ़ के क्या है। इट कॉस्ट ओनली 299 rupees आई थिंक, सो 300 rupees में एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
So guys, in the ending, thank you very much for watching this video. Love you all. Keep loving, keep supporting. Bye guys. ख्याल रखो अपना और अपनों का. अगर कोई Southwest Delhi से है और like Delhi से है और Steelbird showroom visit करना चाहता है, यहाँ पे आके helmets का collection cover करना चाहता है या फिर देखना चाहता है, तो भैया आ सकते हो Steelbird showroom. सामने पूरा पूरा एड्रेस लिंक में मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में. जनकपुरी के अंदर वृंदानगर जनकपुरी नियर दिल्ली हार्ट और सीधा सा सर्च करना कैंसर हॉस्पिटल जनकपुरी, उसके पास आपको भारती कॉलेज के सामने मिल जाएगा अपना Steelbird का शोरूम. आके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे हेलमेट्स का कलेक्शन चेक कर सकते हो, साइज़ देख सकते हो. एक सेशन दूंगा भैया, ऑनलाइन हेलमेट शॉपिंग थोड़ी कम कर दो क्योंकि वहाँ पे आप साइज़ चेक नहीं कर सकते. आ गया तो परेशान होंगे, चार दिन का उसका आना, फिर जाना, फिर ये, फिर वो, अटरम शटरम. सो गाइज, इन द एंडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय गाइस, ख्याल रखो अपना और अपनों का. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा कहीं मत जाना क्योंकि अपने मोर देन 25 एपिसोड्स आने वाले हैं. 7000 किलोमीटर लॉन्ग इंडियन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर रेयर राइड विद विक्या शांडिल्या. बातें मेरी लगती इनके दिल पे ऐसे जैसे खंजरों से कंजरों को मारूं मैं, सुधारूं इनको जिनको बनना फन्ने का है. लिखने बैठ कलम लेके ये नशे में, इनको ये भी ना पता है इनके बनने का है. कह दिया था पहले ही की बात ये नमक सी, जख्म तुम बचा लो नहीं तो जलेगी पक्की. तेरी शक्की ये निगाहें रखूं मेरी शक्करों पे, करता शक मैं ऐसे जैसे ये.